नमस्कार, आपका स्वागत है मार्टी पीएस ऑन एयर पाठशाला में। आज हम सीखेंगे रिटर्न शेप्स, मैच द फॉलोइंग, राइट द नंबर नेम्स एंड मैच द न्यूमरल्स विद देयर नंबर नेम्स। ओरल नंबर नेम्स 41 to 50 एंड टेबल 3। लेट्स गेट स्टार्टेड। For that we are using book Active Maths Primer, page number 86. Shapes. आज हम shapes के बारे में पढ़ेंगे। We see different types of shapes around us. हमें हमारे आसपास अलग अलग प्रकार के shapes देखने को मिलते हैं। This is a square. ये काई की picture दी हुई है square की। Square कैसा होता है? इसकी four side इक्वल होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। नेक्स्ट, दिस इज अ रेक्टेंगल। ये काई की पिक्चर दी हुई है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल कैसा होता है? इसमें जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। जैसे ये वाली साइड और ये इक्वल है, और ये वाली इक्वल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। नेक्स्ट, दिस इज अ ट्राइंगल। ये काई की पिक्चर दी हुई है ट्राइंगल की। ट्राइंगल में क्या होता है? थ्री कॉर्नर होते हैं। जिसमें थ्री कॉर्नर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। दिस इज ए सर्कल। ये किसकी पिक्चर दी हुई है? सर्कल की। सर्कल का शेप कैसा होता है? राउंड होता है। तो यहाँ हमने क्या सीखा शेप्स के बारे में? नाउ वी आर यूजिंग पेज नंबर 87, मेज द फॉलोइंग। यहाँ हमें शेप्स की पिक्चर दी हुई है, उनको उनके नाम से मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, तो कैरम बोर्ड और डाइस स्क्वायर से मैच है, क्योंकि इन दोनों की जो फोर साइड होती है वो इक्वल है, इसलिए इनको स्क्वायर से मैच करते हैं। स्क्वायर में क्या होता है? फोर साइड जो होती है वो इक्वल होती है। नेक्स्ट, यहाँ रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे बोर्ड दिया हुआ है, तो इसकी क्या है? अपोजिट साइड इक्वल है। ये दोनों भी इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। और जैसे यहाँ पे टेबल दी हुई है, तो इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल है और ये वाली भी इक्वल है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए? रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम बोर्ड को से टेबल से मिलाएंगे और टेबल को रेक्टेंगल से मैच करेंगे। नेक्स्ट, सर्कल। यहाँ सर्कल दिया हुआ है, सर्कल मींस क्या होता है? राउंड। तो जैसे यहाँ पे बॉल दी हुई है और ये यहाँ पे भी दी हुई है, तो ये दोनों क्या है? राउंड है, यानी सर्कल शेप की है। तो इन दोनों को मैच करेंगे। इस बॉल को इससे मैच करेंगे और इसको सर्कल से मैच करेंगे। एंड लास्ट, ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या होता है? जिसके थ्री कॉर्नर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। जैसे यहाँ पे केप दे रखी है और बर्गर दिया हुआ है, तो बर्गर में क्या है? थ्री कॉर्नर है, इसलिए ट्राइंगल शेप का है। और केप में भी थ्री कॉर्नर है, इसलिए ये भी ट्राइंगल शेप का है। तो बर्गर को पहले केप से मैच करेंगे और फिर केप को ट्राइंगल से मैच करेंगे। Now we are using page number 88, colors. Square green, triangle red, rectangle yellow, circle blue. Color the picture train according to the color of the given shapes. यहाँ पे जो ट्रेन दी हुई है इसमें शेप्स दिए हुए हैं, तो उसमें आपको कलर करना है। जैसे स्क्वायर शेप में आपको ग्रीन कलर करना है, ट्राइंगल शेड में आपको रेड कलर करना है, रेक्टेंगल शेप्स में आपको येलो कलर करना है और सर्कल शेप्स में आपको ब्लू कलर करना है। नाउ वी आर यूजिंग पेज नंबर 53, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ हमें नंबर्स दिए हुए हैं, तो इनके हमें नंबर नेम्स लिखना है। यहाँ क्या दिया हुआ है? 5, 6, 56। तो यहाँ हम 56 की स्पेलिंग लिखेंगे। एफ I F T Y 50
एस आई एक्स सिक्स 56. नेक्स्ट 68. तो 68 की स्पेलिंग लिखेंगे एस आई एक्स टी वाई 60. ई आई जी एच टी 8 68. नेक्स्ट 40 40. एफ ओ आर टी वाई 40. नेक्स्ट 9 8 98. एन आई एन ई टी वाई 90. ई आई जी एच टी 8 98. नेक्स्ट 65 65. एस आई एक्स टी वाई 60. एफ आई वी ई 5 65. नेक्स्ट 7 9 79. एस ई वी ई एन टी वाई 70. एन आई एन ई 9 79. नेक्स्ट 7 1 71. तो 71 की स्पेलिंग लिखेंगे एस ई वी ई एन टी वाई 70. ओ एन ई 1 71. नेक्स्ट 7 8 78. तो यहाँ 78 की स्पेलिंग लिखेंगे एस ई वी ई एन टी वाई 70. ई आई जी एच टी 8 78. नेक्स्ट दिया हुआ है 5 9 59. तो 59 की स्पेलिंग लिखेंगे एफ आई एफ टी वाई 50. एन आई एन ई 9 59. नेक्स्ट 64 दिया हुआ है. तो 64 की स्पेलिंग लिखेंगे एस आई एक्स टी वाई 60. एफ ओ यू आर 4 64. नेक्स्ट दिया हुआ है 8 5 85. तो 85 की स्पेलिंग लिखेंगे ई आई जी एच टी वाई 80. एफ आई वी ई 5 85. नेक्स्ट 7 5 75. तो 75 की स्पेलिंग लिखेंगे एस
E V E N T Y 70 F I V E 5 75. नेक्स्ट दिया हुआ है 7 3 73 S E V E N T Y 70 THR EE 3 73 नेक्स्ट 60 दिया हुआ है तो 60 की स्पेलिंग लिखेंगे SIXTY 60 नेक्स्ट 4545 FORTY 40 FIVE 5 45 एंड लास्ट दिया हुआ है 100 तो यहाँ हम 100 की स्पेलिंग लिखेंगे ONE HUNDRED 100 Now we are using page number 54. Match the numerals with their number names. यहाँ जो number दिए हुए हैं उनको number name से match करना है. जैसे सबसे पहले काई की spelling दी हुई है SIXTY 60 FIVE 5 65. तो 65 कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है. तो हम 65 से match करेंगे. नेक्स्ट स्पेलिंग दी हुई है EIGHTY 80 NINE 89 तो 89 कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पर. तो 89 से मैच करेंगे. नेक्स्ट SIXTY 60 SIX 66 तो 66 कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पर. तो 66 से मैच करेंगे. नेक्स्ट SIXTY 60 ONE 61 तो 61 कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पर. तो 61 से मैच करेंगे. नेक्स्ट EIGHTY 80 TWO 2 82 तो 82 यहाँ दिया हुआ है. तो हम 82 से मैच करेंगे. नेक्स्ट FIFTY 50 FIVE 5 55 तो 55 कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पर. तो 55 से मैच करेंगे. नेक्स्ट FIFTY 50 FOUR 4 54 तो 54 से मैच करेंगे. NINETY 90 EIGSTY 8 98 तो 98 कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पर. तो 98 से मैच करेंगे. नेक्स्ट EIGSTY 80 तो 80 से मैच करेंगे. लास्ट दिया हुआ है ONE HUNDRED 100 तो 100 यहाँ दिया हुआ है. तो इसको 100 से मैच करेंगे.
थैंक्स फॉर वॉचिंग. सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल. राइट ऑन द कमेंट्स, गिव मी योर फीडबैक. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो, आई विल हैप्पी टू आंसर. नमस्कार. टुडे वी विल लर्न स्पेलिंग ऑफ 41 टू 45. सो रिपीट विथ मी. आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट. FORTY 40. ONE 41. FORTY 40. ONE 41. FORTY 40. TWO 2 42. FORTY 40. TWO 2 42. FORTY 40. THREE 43. FORTY 40. THREE 43. FORTY 40. FOUR 44. FORTY 40. FOUR 44. FORTY 45. FORTY 45. FORTY 45. Namaskar. Today we will learn number name 46 to 50. So repeat with me. Are you ready? Let's start. FORTY 40. SIX 6 46. FORTY 40. SIX 6 46. FORTY 40. SEVEN 7 47. FORTY 40. EIGHT 8 48. FORTY 40. EIGHT 8 48. FORTY 40. NINE 9 49. FORTY 40. NINE 9 49. FIFTY 50. FIFTY 50. Namaskar. Today we will learn table of 3. So repeat with me. Are you ready? Let's start. 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 2 6 3 3 9 3 3 9 3 4 12 3 4 12 3 5 15 3 5 15 3 6 18 3 6 18 3 7 21 3 7 21 3 8 24 3 8 24 3 9 27 3 9 27 3 10 30 3 10 30